Good morning, friends. Now we are going to start with the 11th chapter of business studies, that is marketing management. You are going to learn all the concepts related to marketing management in this chapter. It is a branch of management. Now we see the important related concepts related to marketing management. There are three terms: market, marketing, marketing management. Now we start with market. In the traditional sense, market refers to a place where buyer and seller come together to exchange goods and services. ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं. बट इन द मॉडर्न सेंस मार्केट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. लेकिन मॉडर्न सेंस में मार्केट कोई एक प्लेस नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सेल परचेज ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड होती है, टेलीफोन पर भी बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. सो इन मॉडर्न सेंस मार्केटिंग डज नॉट मीन अ प्लेस, बट इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल बायर मीन्स द पर्सन हु हैज एक्चुअली बॉट द प्रोडक्ट और द सर्विस. एंड पोटेंशियल बायर मीन्स अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट, सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, comparing the prices of different brands. So, ऐसे potential buyer भी हमारे modern sense में market की definition में include होते हैं. Market may be classified on the basis of product. Product जैसे cotton market, gold market, share market, vegetable market, fruit market. So, on the basis of product. Geographical location जैसे लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आर द टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन मार्केट. टाइप्स ऑफ बायर जैसे कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट. जैसे मिल्क, यदि एक पर्सन मिल्क खुद के कंजम्पशन के लिए या फैमिली कंजम्पशन के लिए परचेज करता है तो वह एक कंजम्पशन मार्केट हुआ. लेकिन यदि यही मिल्क वह रीसेल करने के लिए परचेज करता है या फिर इससे आइसक्रीम और स्वीट्स बनाकर सेल करने के लिए परचेज करता है तो वह इंडस्ट्रियल मार्केट हुआ. इसका मतलब यदि कोई भी प्रोडक्ट हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल के लिए परचेज करते हैं तो वह बिजनेस एक्टिविटी हुआ, इसलिए वह इंडस्ट्रियल मार्केट में इंक्लूड होगा. क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजेक्टेड जैसे रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. नाउ वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. सम पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज सेम थिंग एज शॉपिंग. जैसे कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं. कई बार वे कहते हैं कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, बट मार्केटिंग इंक्लूड्स शॉपिंग. फ्यू पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज सेम थिंग एज सेलिंग, बट सेलिंग इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग. देन सम पीपल कंफ्यूज मार्केटिंग विथ मर्चेंडाइजिंग. मर्चेंडाइजिंग मीन्स कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल. Marketing is a much broader concept than all these small things. These are parts of marketing. Now, in the traditional sense, marketing refers to performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers. ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार मार्केटिंग में वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक सप्लाई होते हैं. नाउ इन द मॉडर्न सेंस मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल ऑफ गुड्स. जैसे प्रोडक्शन से पहले हम मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च करते हैं और कंज्यूमर्स की नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं. इस नीड्स के अनुसार ही कोई भी मार्केटर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करता है, इनोवेशंस करता है, न्यू फीचर्स ऐड करता है.
इसके बाद वह यह प्रोडक्ट मार्केट में फ्री सैंपल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करके यह आइडेंटिफाई करता है कि कंज्यूमर को यह प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं। यदि यह प्रोडक्ट पसंद आया हो तब वह मैन्युफैक्चर करता है, फिर इसकी एडवर्टीजमेंट करेगा, ब्रांडिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, इसे वेयर हाउस में रखेगा, मार्केट में डिमांड होने पर इसे सप्लाई करेगा यानी ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा। फिर कंज्यूमर को जब यह प्रोडक्ट सेल होगा तो वह यह ध्यान रखेगा कि कंज्यूमर को कोई इससे प्रॉब्लम ना हो, सो इसके लिए वह कस्टमर केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्ट में यदि कोई डिफॉल्ट है तो वह इसे रिमूव करेगा। मीन्स द मार्केटिंग इज कंटिन्यू इवन आफ्टर सेलिंग ऑफ गुड्स। सो इन मॉडर्न सेंस मार्केटिंग रेफर्स टू अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others. Now to understand this, we see the features of marketing. All these points are included in features. The first is need and want. Needs basic hoti hai nature mein, jaise need for food, clothing, shelter. मार्केटर कंज्यूमर की यह बेसिक नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं जिससे कंज्यूमर को वैरायटीज मिलती है। जैसे यू हैव अ नीड फॉर फूड, सो द मार्केटर हैज ऑफर्ड साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स में वैरायटीज होती है, क्लोथ्स में वैरायटीज होती है। देयर इज अ नीड टू कम्युनिकेट, तो पहले लैंडलाइन कनेक्शन था, मार्केटर्स ने आइडेंटिफाई किया कि कंज्यूमर वांट्स समथिंग टू कम्युनिकेट ऑल द टाइम। लैंडलाइन इज नॉट पोर्टेबल इन नेचर, सो मोबाइल फोन्स आर इन्वेंटेड। फिर कंज्यूमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करके ही कोई भी मार्केटर मोबाइल फोन्स पे न्यू इन्वेंशंस और इनोवेशंस कर रहे हैं ताकि वह कंज्यूमर को बेटर सर्विसेज ऑफर कर सके। सो द मार्केटर कन्वर्ट्स द नीड इनटू वैरायटीज ऑफ वांट्स। नाउ द सेकंड इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। जब भी कोई मार्केटर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करते हैं तो वह केवल एक प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि उसके साथ उसके सभी फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांड इमेज, प्राइस, अवेलेबिलिटी भी ऑफर होती है। जैसे मोबाइल फोन होता है तो मोबाइल के न्यू फीचर्स, उसमें क्या इन्वेंशन हुआ है, उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या है, स्पेस, या मोबाइल फोन ऑनलाइन ही सेल होता है या शोरूम में भी अवेलेबल है, what is the difference in the prices, so all these things are offered by a marketer. Now the third is customer value. Customer hamesha product ke benefits ko uske cost ke sath compare karta hai aur fit purchase karta hai. Jise microeconomics mein aapne padha, a consumer will buy when marginal utility of a product is more than price और एटलीस्ट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। यानी कंज्यूमर को जब तक मिलने वाला बेनिफिट्स प्रोडक्ट की वैल्यू उसके प्राइस के एटलीस्ट इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो तभी कंज्यूमर यह प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेगा। सो मार्केटर हमेशा अपने प्रोडक्ट में वैल्यूज ऐड करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट या सर्विस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा हो, कंज्यूमर को हमेशा कॉस्ट कम लगे और बेनिफिट्स ज़्यादा मिले। नाउ द फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक बायर और सेलर के बीच में मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टीज कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। जैसे सेलर के लिए मनी इम्पॉर्टेंट है या मनी के इक्वल कोई और थिंग इम्पॉर्टेंट है और बायर के लिए प्रोडक्ट या सर्विस इम्पॉर्टेंट है। यह एक्सचेंज मैकेनिज्म तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रोडक्ट एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, दोनों में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, दोनों कैपेबल हो। इसलिए एक्सचेंज में एटलीस्ट हमें दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज की ज़रूरत है। अब यह एक्सचेंज मैकेनिज्म से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं करती, यह मार्केटिंग के फीचर्स हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिलते हैं।
जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, क्लब, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ये सभी भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पर कौन सा रिलीजियस प्रोग्राम होने वाला है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली है, वैक्सीन्स अवेलेबल है, फिर स्कूल में या कॉलेजेस में कौन से न्यू कोर्सेज डेवलप हुए हैं, कौन से वोकेशनल कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है. सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो यूजेस ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज. नाउ वी लर्न व्हाट कैन बी मार्केटेड. ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑफ सम वैल्यू टू द अदर्स कैन बी मार्केटेड. प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज. हर वो प्रोडक्ट जिससे किसी पर्सन की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है उसे मार्केट किया जा सकता है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है. सो लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कैन बी मार्केटेड. द फर्स्ट इज फिजिकल प्रोडक्ट्स, यानी टेंजिबल प्रोडक्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, जैसे सेलफोन, व्हीकल, ड्रेस, स्पेक्स, बुक्स, बैग. सो ऑल दीज आर इधर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और द प्रोड्यूसर्स गुड्स, जैसे मशीनरी. द सेकेंड इज सर्विसेज, जिससे ये टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउस, ट्रेडिंग, रिटेलर सर्विस, होलसेलर सर्विस, वेबसाइट्स होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग. वेबसाइट्स की हेल्प से हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपने टैक्स भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं. सो द प्रोफेशनल सर्विस लाइक डॉक्टर, CA, लॉयर, सो ऑल दिस सर्विसेज कैन बी मार्केटेड. थर्ड इज आइडिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम COVID-19, जैसे स्टे होम, स्टे सेफ, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं. हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज ऑफ कोरोना वायरस, क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. सो ऑल दीज आइडियाज कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. फॉर दिस पर्सन, फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे इलेक्शन के समय आपने देखा हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स की मार्केटिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले. इसी तरह सेलिब्रिटीज़ भी होती है जो खुद की मार्केटिंग करती है ताकि वे फेमस हो, लोग उनके शोज देखें. नाउ द फिफ्थ इज प्लेस, विजिट आगरा, सिटी ऑफ लव, विजिट उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, ऐसे ही गुजरात का द काइट फेस्टिवल, जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा. सो ऐसी कुछ प्लेसेस होती है जहाँ पे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, कुछ ओकेशंस होते हैं, या हिस्टोरिकल प्लेस होती है जिसकी गवर्नमेंट या ट्रेवल एजेंसीज मार्केटिंग करती है ताकि लोग यह प्लेस विजिट करने आए. इससे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है. नाउ द सिक्स्थ इज एक्सपीरियंस, लंच विद अ सेलिब्रिटी, जैसे कुछ गेम शोज, कॉम्पिटिशन्स में प्राइज होता है. यू विल गेट अ चांस टू हैव लंच विद अ सेलिब्रिटी, यू विल गेट अ चांस टू टॉक टू दैट फेमस पर्सनालिटी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो अपने एजेंट को एक टारगेट अचीव करने पर फ्री ट्रेड टू बैंकॉक देती है. सो दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेस, राइड्स इन वाटर पार्क. सो यू कैन बाय a combination of product and service and you can experience it. Properties, जैसे investment in real estate, construction companies होती है, agencies होती है जो किसी land या building की marketing करती है ताकि लोग उसमें investment करें. Financial assets like shares and debentures, brokers होते हैं जो अपनी marketing करते हैं ताकि उनके through आप ये intangible financial assets purchase कर सकें. It is event. Event may be for few hours to few days, few weeks. जैसे exhibitions होती है, सावन मेला, दिवाली मेला, साड़ी exhibition, जो कुछ घंटों की भी हो सकती है, दो तीन दिन की भी हो सकती है. Performance shows, जैसे dance competition होती है, music shows होते हैं. New year celebration, जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करने उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आए.
स्पोर्ट्स होते हैं जैसे एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, आईपीएल, बर्थडे पार्टीज होती है, मैरिज सेलिब्रेशंस होते हैं। यदि आपकी फैमिली पार्टी है तो इस इवेंट में आप अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। यदि यह पब्लिक के लिए है तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास परचेज करें, कूपन परचेज करें और इस इवेंट को सेलिब्रेट करने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए। नाउ द नाइंथ इज इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग। हर प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर कुछ लेबलिंग होती है, प्रोडक्ट और कंपनी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है। एडमिशन ओपन, जैसे हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल्स पर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर में देती है। Quora.com वेबसाइट्स होती है जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज होती है जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चार्जेस लेकर आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। नाउ द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनीज अपनी पब्लिक इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद की मार्केटिंग करती है, जैसे HUL, रेनबैक्सी, नारायण सेवा संस्थान, बंधन बैंक इज सेलिब्रेटिंग 5th बर्थडे। दूसरी बैंक्स होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो खुद की मार्केटिंग करती है ताकि लोग इनके प्रोडक्ट परचेज करें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी मार्केटेड। नाउ वी लर्न हु इज मार्केटर। मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। मार्केटर टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मार्केटर मे बी अ सेलर और अ बायर। मार्केटर वो पर्सन होता है जो एक्सचेंज मैकेनिज्म में एक्टिव रोल लेता है। जनरली सेलर इज अ मार्केटर क्योंकि सेलर ही अपने कस्टमर के नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट डिजाइन करता है, प्रोडक्ट ऑफर करता है, फिर बायर को कन्विंस करता है कि वह उसका प्रोडक्ट परचेज करे। सो सेलर टेक्स मोर एक्टिव पार्ट, सो जनरली सेलर इज मार्केटर। लेकिन कभी कभी रेयर सप्लाई के केस में बायर ऑल्सो बिकम्स अ मार्केटर। जैसे अ कंट्री हैज इंस्टॉल्ड अ न्यूक्लियर प्लांट, नाउ द कंट्री वॉन्ट्स न्यूक्लियर फ्यूल मीन्स द हैवी वाटर। हैवी वाटर कंटेन्स ड्यूटोरियम इन प्लेस ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन, द फॉर्मूला इज D2O। सो इन दैट केस द कंट्री हैज टू कन्विंस द सेलर दैट द यूसेज विल बी फॉर अ पीसफुल पर्पस। इसी तरह कैंसर ट्रीटमेंट में भी एक पैच का यूज होता है जिससे पेशेंट को पेन फील नहीं होता, बट दिस पैच इज ऑल्सो अ वेरी रेयर प्रोडक्ट। सो द बायर हैज टू कन्विंस द सेलर दैट द यूसेज इज फॉर अ जेन्युइन पर्पस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट अ सेलर और अ बायर मे बिकम अ मार्केटर। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जिस तरह हमने चैप्टर 1 में मैनेजमेंट पढ़ा कि एक मैनेजर को किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए 5 फंक्शंस करने होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसी तरह मार्केटिंग की हर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को इन सभी फंक्शंस को फुलफिल करना होता है। नाउ वी सी द डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सोशल साइंस। इसी तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड अ सोशल साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। द की टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन आर गिवन इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में अवेलेबल हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। सो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए टारगेट मार्केट क्या है, जो डिपेंड करता है एज, जेंडर, इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर।
यानी आपको डिसाइड करना है कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हो या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो वह किस जेंडर के लिए है, मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, किड्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए या ओल्ड एज पीपल के लिए, आपके कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या होगी, तो आपको किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है. सो यू हैव टू डिसाइड द टारगेट मार्केट. द सेकेंड इज क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होने के बाद आपको उसे प्रमोट करना है ताकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्रिएट हो. आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ताकि वह रिपीट परचेज करे और लोगों को भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन दे. द थर्ड इज क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज. कस्टमर हमेशा प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन चाहता है, तो आपको आपके प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूज ऐड करना होगा, कुछ इनोवेशन करना होगा ताकि हमेशा कस्टमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा हो. इसी तरह एक मार्केटिंग मैनेजर को डिमांड मैनेज करनी होती है. जैसे 90s से पहले यानी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से पहले बायर्स ज़्यादा थे और सेलर्स कम थे. तब सेलर्स को अपनी प्रमोशन एक्टिविटीज कम करनी होती थी, प्राइस इंक्रीज करने पड़ते थे ताकि वे डिमांड और सप्लाई को मैच कर सके. इसी तरह सीजनल प्रोडक्ट्स जैसे रेनकोट, अम्ब्रेला, वुलन क्लोथ्स में एक मार्केटर को टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज करनी होती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू मार्केटिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.